2024 नीट का जब से रिजल्ट आया है तो आपको दो चीजें देखने को मुझे मिला। एक तो बच्चा बड़ा खुश भी है कि उसके मार्क्स काफी अच्छे आए और एक्सपेक्ट भी कर रहा था और उसे अच्छे कॉलेज मिलने भी चाहिए थे, लेकिन जब बच्चा उसने रैंक से कंपेयर किया, लास्ट ईयर से कंपेयर किया, तो बड़ा शॉकिंग था हर इंस्टीट्यूट के लिए, हर टीचर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज था। उसके बाद में कुछ रात में अनहोना होता है, किसी बच्चे का 718 आ रहे हैं, 719 आ रहे हैं, मैं भी पूरी तरह से शॉक्ड हूँ। रात में 12 बजे देखा तो अलग अलग न्यूज चैनल पे अलग अलग चीजें आना स्टार्ट हो गई, बच्चा अब मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, सर मेरा 650 मार्क्स है, मेरा 600 क्रॉस है, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा, सर ये रीनीट का दोबारा सुन रहे हैं, ये सर सुप्रीम कोर्ट का न्यूज़ आ रहा है, ये चैनल वाले सर जो भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अलग चीज़ें बोल रहे हैं, सर हम करें क्या, बड़ा पैनिक है ना, जिन्होंने 695 किया है, 710 पे किया है, वो बच्चा मैसेज कर रहा है सर क्या होने वाला है, क्या हम दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। दो तीन चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। कल अगर आपने NTA का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो वहाँ बच्चा कॉन्फ्रेंस के बाद में एक छोटा सा इंटरव्यू उनका आता है, जो पैनल में बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि अगर हम लोग जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है ये ग्रेस मार्क्स का चक्कर, जो आपने सभी ने पढ़ ही लिया होगा कि 1563 आई थिंक इतने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिला है, तो उन्होंने बोला कि हम उन बच्चों का रीनीट कंसिडर कर सकते हैं, उन बच्चों का, आपका नहीं बोला है, 23 लाख जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं रिलैक्स मोड में, उनका नहीं, जिनका ग्रेस मार्क्स मिला है उनका रीनीट कंसीडर किया जा सकता है, कंसीडर वर्ड यूज किया, या तो एक कमिटी फॉर्म करेंगे और कमिटी वाले डिसाइड करेंगे क्या उनके ग्रेस मार्क्स पे वापस से हम लोग ऑब्जर्व कर सके, क्या उस पे फिर से कुछ हम लोग नए चीज़ें को कर सके, या जो भी उन पे प्रॉब्लम चल रहा था उसको सॉल्व किया जा सकता है क्या। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, आप आराम से रहिए ना, आपका रीनीट नहीं होगा। सेकेंड चीज़ है, बच्चे ने बोला सर पेपर लीक का, देखिए बच्चा पेपर लीक का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है, अगर सॉलिड एविडेंस सर पटना में मिला था ना, कुछ राजस्थान में मिले थे, कुछ सर हरियाणा में ऐसे केसेस आए थे, तो अगर आया होगा बच्चा, मास लेवल पे करप्शन हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो लोग कई सारे लोग बच्चा मैंने देखा है यूट्यूब पे कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो बच्चा अगर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है और इन्वेस्टिगेशन करती है और मास लेवल पे अगर करप्शन हुआ होगा, जिसका मुझे चांसेस नहीं लग रहा है कि मास लेवल पे लीक हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्ड एक सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम आप कोई डिसाइड नहीं करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया रीनीट तो होगा ही होगा, लेकिन इसके चांसेस 0% मुझे लग रहे, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि क्यों ऐसा करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसने एग्जाम कंडक्ट हो गया, रिजल्ट आ गए, अब काउंसलिंग का टाइम है, तो और प्रॉब्लम्स कितने में, ग्रेस मार्क्स का वो इशू तो सॉल्व ही कर रहे हैं, NTA तो बोल ही रहा है कि हम ग्रेस मार्क्स के इशू को रिकंसीडर करेंगे, तो बाकी बच्चों को हम क्यों परेशान करें। अगर नीट का अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, मास लेवल पे करप्शन नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट अगर हो सकता है वो वहीं रिजेक्ट कर दे, अगर वो एक्सेप्ट करता भी है, इन्वेस्टिगेशन करता भी है, अगर उसे ऐसा पता चलेगा तो शायद वो करने में टाइम लगेगा बच्चा ना, और उसका फाइनल डिसीजन हमें मानना पड़ेगा। तो मेरे में से कोई भी आपको पैनिक नहीं होना है। थर्ड एक आपका प्रॉब्लम है सर, हमारा लास्ट ईयर से मार्क्स वर्सेस रैंक का इशू, तो बच्चा एक बड़ा सिंपल सा मैं रूल बता रहा हूँ, लास्ट ईयर लगभग असम से 175 बच्चे 600 क्रॉस कर रहे थे, इस साल लगभग वो 7-fold के आसपास हो गए, वो लगभग बच्चे 800 समथिंग बच्चे शायद, जितना कुछ बच्चों ने मुझे कैलकुलेशन भेजा है अलग अलग इंस्टीट्यूट का लेकर के, मैं श्योर नहीं हूँ, तो बोल रहे कि 800 समथिंग बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, तो सोचिए ना, आप ही देखिए ना, हमारे इंस्टीट्यूट के 650 में लगभग 5 बच्चे, 666 पे 7 बच्चे, तो इंडिया लेवल पे 666 पे 100 बच्चे तो हो सकते हैं ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है मेरे साइड से, जितना मुझे मालूम है, जितने मैंने बच्चों से बातें की, उनका जितना ओमआर में किया था, जितना उन्होंने एग्जाम में कैलकुलेट किया, उनके मार्क्स वही आ रहे, यानी यहाँ पास तो मुझे तो नहीं लग रहा कि गड़बड़ी हुई है, तो यानी ग्रेस मार्क्स वाले को छोड़ दे, वो रिकंसिडर करना चाहिए, मैं उसके फेवर में हूँ, होना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ी हुई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये पूरा डिटेल एनालिसिस के बाद ही होगा, फिलहाल के लिए आप पैनिक मोड में मत आइए। सेकेंड चीज, जो बच्चे इस साल शायद उनके 500 से 590 तक है ना, क्योंकि कट ऑफ सभी लोग प्रिडिक्ट कर रहे 600 प्लस, तो सर हम क्या करें, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ बच्चा, ये आप न्यूज़ से थोड़ा दूर रहो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप अगर 590 से नीचे पे है तो जाहिर सी बात है
आपके लेस चांसेस है। अगर लक बहुत अच्छा रहा तो शायद मिल जाए, लेकिन चांसेस कम है। तो आप बच्चा पढ़ाई, ये एक महीना दो महीना यूट्यूब पे इनके चक्करों में मत फंसिए, आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ना। आप शॉर्ट रिविजन लेक्चर्स करो ना, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है, आपने 575, 580, 590 तक किया है, आपका सब कुछ पढ़ा है। तो ये एक डेढ़ महीना न्यूज से आप दूर रहो, अपनी पढ़ाई करो, शाम में थोड़ा न्यूज जान लो क्या होने वाला है, बाकी आप इससे दूर रहेंगे ना तो आपको ही बेनिफिट होगा। सर वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां बच्चे ने सोशल मीडिया पे ये डाला है, सर ये रील पे ये बोला जा रहा है, ये मैसेज भरे पड़े, इससे आप ही तो डाइवर्ट होगे, आपका ही कॉन्फिडेंस हिलेगा कि सर ये तो मास लेवल में करप्शन है, अगले साल मेरे साथ क्या होगा। दूर रहिए और अपने प्रिपरेशन में आप लग जाइए। और जो बच्चा कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे, अगर असम की बात करें 600 क्रॉस कर रहे, तो आप आराम से रहिए, आपके साथ कुछ भी अनजस्टिस नहीं होगा। ये कोर्ट कभी नहीं, आप एक क्वालिफाई किए, इतना मेहनत किए, एक रिदम में थे ना, आपने एग्जाम दिया फिफ्थ में को, कितने रिदम में थे और रिदम में आप क्वालिफाई करके, अब अचानक से मैं बोलूं वापस से एग्जाम होगा, ये मजाक नहीं है। क्या आप 710 वाला बच्चा क्या वापस से 710 कर सकता है? नहीं कर सकता, मैं लिख के दे रहा हूं। और इतना आसान कैसे? अगर मैं कैंसिल हो भी जाता है तो एक से दो महीना एग्जाम में लगेगा, फिर एक महीना रिजल्ट मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगा, क्या जनवरी फरवरी वो करने वाले क्यों करेंगे? अगर कुछ छोटा सा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो मेरे मुझसे आपके साथ में अभी भी इनजस्टिस नहीं होगा, बी रिलैक्स और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। थैंक यू।